दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो चुकी है। पूर्व दिल्ली नगर निगम हड़ताल, सफाई कर्मचारियों के बच्चे भी अब अपने परिजनों की मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं। सफाई कर्मचारियों के बच्चों ने पूर्व दिल्ली नगर निगम मुख्यालय के बाहर प्रोटेस्ट किया। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले 13 दिन से हड़ताल पर हैं। हड़ताली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों में अब सफाई कर्मचारियों के बच्चे भी शामिल हो गए हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय पर सफाई कर्मचारियों के बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और अपने परिजनों की मांगों को लेकर दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले सफाई कर्मचारियों के बच्चों का कहना है कि उनके परिजनों को वक्त पर वेतन न मिलने का असर उनकी पढ़ाई पर पड़ रहा है। ये हमें पैसे नहीं देते, हमारे मम्मी पापा को हम कहीं ट्यूशन लगाते हैं वहाँ फीस नहीं दे पाते, वहाँ से छोड़ देते, कहीं कंप्यूटर कोर्स करते हैं वहाँ फीस नहीं जाती, वहाँ छोड़ देते, कोई डेट नहीं। हम अपने भाइयों की शादी में बैंक से लोन लेने जाते हो, कोई बैंक लोन नहीं देता, दलालों को पकड़ेंगे 30% उन्हें देंगे तब लोन देते हैं। हम जैसे कहीं कोर्स करने जाते हैं हमसे फीस मांगते हैं, हम 3-3 महीने हमारी फीस नहीं दे पाते, हम हमारे घर वालों की सैलरी टाइम पे नहीं आती, हमारी स्कूल की फीस नहीं जमा हो पा रही, ना ट्यूशन की फीस जमा हो पा रही, ना मेरा राशन मिल पा रहा। साथ ही नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के बच्चों का कहना है कि निगम में उनके माता पिता सालों से सेवा दे रहे हैं लेकिन उन्हें अब तक पक्का नहीं किया गया। प्रदर्शन में शामिल बच्चों ने निगम के अधिकारियों से अपने परिजनों की मांगों को मानने की गुहार लगाई। अरे हमारे मम्मी पापा MCD में उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही, ना पक्के हुए पा रहे, हमें इसी के चक्कर में हमें मोर्चा निकालना पड़ रहा है। मेरे पापा MCD में, उनको 1996 के वो है, उनकी वो आज तक पक्के नहीं हुए। अब जैसे कोई हमारे इधर विधवा लेडीज है, उनकी पेंशन नहीं बन पाती, आज तक कुछ नहीं हुआ, इस वजह से हम अपनी मांगे रिटायरमेंट हो जाता है तो पैसा नहीं मिलता, कुछ वो नहीं आते, पैसे नहीं मिलते, जब तक बंदा निकल जाता है जब तक पैसे नहीं आते। हमारे पापा मम्मी MCD में सफाई कर्मचारी है, उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही, उनका शोषण हो रहा, 22-22 साल उन्हें कच्चों में रख रखा है, 10-10 हज़ार रुपए में क्या वो हमें पढ़ाएंगे, क्या खिलाएंगे, राशन वाला राशन नहीं देता है, ट्यूशन पढ़ने जाते तो ट्यूशन नहीं पढ़ाता, वहाँ समय पे पैसे जाते, इन्होंने हमारा शोषण कर रखा हमारे माँ बापों का, कुछ तो वो पढ़े लिखे नहीं है, कुछ वो हमें नहीं पढ़ा पाते, वो बस ऐसे ही चल रहा धक्का पे। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी पिछले 13 दिन से हड़ताल पर हैं। हड़ताली सफाई कर्मचारी वक्त पर वेतन देने, सालों से बकाया एरियर जारी करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, ठेका प्रथा को खत्म करने, समान काम समान वेतन, न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए करने, नई पेंशन पॉलिसी बंद करके पुरानी पेंशन लागू करने समेत कई मांगे कर रहे हैं। हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान में कांधे से कांधा मिलाकर साथ दे रहे हैं लेकिन उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। मथुरेश कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज 13वां दिन है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से दिल्ली की साफ सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है। वहीं कल से हो रही बारिश ने हालात और भी ज्यादा बदतर बना दिए हैं। जगह जगह फैली गंदगी बारिश के इस मौसम में बीमारी का सबब बन रही है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर दूर कृष्णा नगर इलाके में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से पैदा हुए हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। MCD के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है और आज उनकी हड़ताल का 13वां दिन है। ये सफाई कर्मचारियों की हड़ताल ही वजह है जिसकी वजह से हमको आज मास्क लगाकर ड्यूटी करनी पड़ रही है, क्योंकि मेरे ठीक पर कूड़े का ढेर जमा है जो सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने की वजह से इकट्ठा हुआ है। ये तस्वीरें दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके की है और आप इस पूरी सड़क को देखेंगे तो लगभग पूरी की पूरी सड़क का ऐसा ही हाल है। सड़क के कोनों पर गंदगी और कूड़े कचरे का जो अंबार है वो लगा हुआ है। साथ में ये जो कूड़ा कचरा है अब सड़ना शुरू हो गया है क्योंकि पिछले 13 दिन से ये कूड़ा यहाँ पर जस का तस पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इसमें से जबरदस्त दुर्गंध आनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक पल भी खड़े रहना
मुश्किल हो रहा है और इसी दुर्गंध से बचने के लिए हमको भी मास्क लगाकर ये रिपोर्ट तैयार करनी पड़ रही है। मैं आपको एक और हैरान कर देने वाली बात बताऊं कि जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, जहां पर ये तस्वीरें हैं, वहां से महज 1 किलोमीटर दूर ही EDMC का हेडक्वार्टर भी है। तो आप समझ सकते हैं जो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हुई है उसकी वजह से दिल्ली में, खासकर पूर्वी दिल्ली में सफाई व्यवस्था किस तरीके से चरमरा गई है और ये गंदगी अब एक बड़े खतरे का रूप लेते हुए नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली में कल से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है जिसकी वजह से बारिश का पानी इस कूड़े कचरे में मिलना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि इस कचरे के ठीक पास में ही बारिश का पानी जमा है, तो ऐसे में जब ये दोनों चीजें आपस में मिलेगी तो यहाँ पर जो मच्छर मक्खी पैदा हो गए और जो बदबू यहाँ से निकलेगी वो लोगों को कई सारी बीमारियों का शिकार बना सकती है, खासकर जो लोग यहाँ रहते हैं या जो लोग यहाँ से गुजरते हैं वो अगर इस कूड़े कचरे की चपेट में आएंगे तो उनको कई सारी बीमारियों की चपेट में आने का खतरा बन सकता है। जाहिर सी बात है कि MCD कर्मचारियों की यह हड़ताल अब दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुकी है और मुश्किल की बात यह है कि MCD सफाई कर्मचारियों इस बात पर अड़ गए हैं कि जब तक उनको उनका बकाया पैसा नहीं दिया जाता तब तक वो काम पर नहीं लौटेगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये हड़ताल इसी तरीके से जारी रही तो दिल्ली के लिए ऐसे हालात आ सकते हैं जिनका सामना करना बेहद मुश्किल होगा। कैमरामैन रोहित के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली में सीवर सफाई के दौरान हुई मौतों को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी ने दिल्ली सचिवालय का घेराव किया। कम्युनिस्ट पार्टी की मांग है कि सफाई कर्मचारियों को सीवर के अंदर घुसकर सफाई करने पर बैन करना चाहिए और सीवर सफाई के दौरान जिन सफाई कर्मचारियों की मौत हुई है उनको मुआवजा देना चाहिए। दिल्ली में सीवर सफाई के दौरान लगातार हो रही कर्मचारियों के विरोध के अंदर आज C2 सड़कों पर उतरी है। इनका कहना है कि जब तक जो सफाई कर्मचारी हैं उनको मुआवजा नहीं मिल जाता ये लोग सड़कों पर ही रहेंगे। हमारे साथ कम्युनिस्ट पार्टी की वृंदा कराच, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर किन मांगों को लेकर वो दिल्ली सचिवालय पर दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। मैम, आप लोग आज लोग सड़कों पर उतरे हैं, क्या कुछ आप लोगों की डिमांड है? देखिए, ये राजधानी है, इसमें जनवरी 2018 से आज तक 21 मौतें हुई हैं इस सीवर की सफाई के नाम पर, जो दलितों के साथ इस प्रकार का केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार दोनों की घोर अपराधपूर्ण लापरवाही के कारण इस प्रकार की मृत्यु हुई है। ये मृत्यु नहीं, ये हत्या है। ये लोग लगातार कह रहे हैं दिल्ली सरकार की वो आने वाले दिनों में इनके लिए मशीनरी का भी यूज करेगी और जिससे कि इनकी मौत ना हो, और इसके लिए कई बार वो मुआवजा देने की बात भी करती है। पहले तो ये कहते हैं कि कोई है ही नहीं, कोई मैन्यूअल स्कैवेंजर दिल्ली में है ही नहीं। अब जब मौतें हो रही है तो बोल रहे मशीन लगाएंगे, तो कितने और मौत की जरूरत है मशीन लगाने की? कितने और लोग मारे जाएंगे जब तक ये दोनों सरकार जाकर इसको इमरजेंसी के रूप में, हमारे सफाई कर्मचारी सीवर में काम करने वाले मजदूरों की वैकल्पिक आमदनी का रास्ता निकालकर तुरंत मशीन लगाने की जरूरत है। क्या आप लोग मुआवजे की भी डिमांड कर रही हैं कि उनको जो सफाई कर्मचारी की मौत हुई उनको मुआवजा दिया जाए? हालांकि दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से मुआवजा देने की बात कही है, उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। कोई मुआवजा नहीं दिया गया, ये सरासर गलत है। वो जाके ऐलान करते हैं, उसके बाद कोई मुआवजा नहीं मिलता है, बिल्कुल स्पष्ट है। और 10 लाख से एक परिवार क्या करेगा? कम से कम 25 लाख रुपया, क्योंकि जिम्मेदारी कोई एक्सीडेंट नहीं है। सरकार कानून का विरोध कर रही है, सरकार कानून का ध्वजा उड़ा रहे हैं। इनके लिए क्या कानून बनाने की बात आप लोग करेंगे कि इनके लिए कोई कानून, कोई गाइडलाइन बनाई जाए जिससे कि आने वाले कानून है,
कानून ऑलरेडी है, लेकिन ये लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसकी ध्वजियां उड़ा रहे हैं। ये थे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, जिनका कहना था कि जब तक दिल्ली सरकार जो सफाई कर्मचारियों की मौत हुई है उनको मुआवजे के रूप में 25 लाख रुपए नहीं देती, और आने वाले दिनों में उनको सीवर के अंदर उतारने से पहले उनको मशीनरी और पूरी किट नहीं देती, तब तक ये लोग सड़कों पर इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहे, सरकार को घेरते रहेंगे। कैमरामैन राकेश के साथ अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़ दिल्ली।